सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिवान पुलिस ने हवाला के कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान गांव के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मकान में बैठकर पैसे का हिसाब किताब करने के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक राइफल, एक रिवाल्वर, 18 जिंदा गोली, एक कार, 2,67,000 रुपये कैश, 6 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, विभिन्न बैंक के 24 ATM कार्ड, स्वाइप मशीन, विभिन्न कंपनी के 24 सिम कार्ड और डिजिटल कैमरा सहित दस्तावेज को बरामद किया है। इसकी जानकारी सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालगंज के कुछ लोग पैसे का हिसाब करने पहुँचे हैं, जिसके पास महाराजगंज SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने ब्रह्मस्थान गांव के हरेंद्र सिंह के मकान पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और कई सामान बरामद किए गए हैं। तीनों लोग हवाला का कारोबार करते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति में गोपालगंज जिले के मीर अलीपुर गाँव के शेख आलमगीर का पुत्र शेख कलीम, साधु चक गांव के श्रीनिवास प्रसाद का पुत्र राजेश कुमार और सिवान के भगवानपुर हाट के ब्रह्मस्थान गांव के जितेंद्र सिंह का पुत्र मन्नू कुमार सिंह शामिल है। भगवानपुर हाट थाना को सूचना प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से कि कोई आदमी है जो विदेशों से पैसा मंगा के उसका करेंसी कन्वर्ट करता है और हवाला ट्रेडिंग के माध्यम से जगह जगह पैसा भेजता है। तो इसी में भगवानपुर थाना के द्वारा आसूचना संकलन किया गया और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, शेख कलीम, राजेश कुमार और मन्नू कुमार। इन लोगों के गिरफ्तारी के क्रम में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। 1.30/30 का राइफल, रिवॉल्वर, महिंद्रा 120 कार, 19 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 1, नगद 2,67,000 रुपया, मोबाइल 6, कई पासबुक, स्वाइप मशीन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड 16, वोडा आइडिया कंपनी का सिम कार्ड 6, जियो कंपनी का सिम कार्ड, पैन कार्ड, काफ़ी सामान बरामद हुआ। इन लोगों से मैं पूछताछ पर यह बताया है कि इन लोगों का लिंक सऊदी अरब से है, जहाँ सऊदी अरब में जब ये काम करने गए थे तो वहाँ विभिन्न देश के लोगों से इनकी जान पहचान हुई, जिसमें पाकिस्तान और इजिप्ट के लोग भी शामिल हैं। और उनके माध्यम से जब ये लोग वापस लौट के आए हैं तो इन लोगों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैंग है, जो कि आम लोगों का भी पासबुक कुछ पैसा का लालच देके प्राप्त कर लेता है और उसमें विदेशों से पैसा मंगाता है अपने पासबुक में, और इस पैसा में कुछ कमीशन काट के शेष पैसे का विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करा के उसको फिर वापस भेजता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लोगों ने देखा है कि पैसा सऊदी अरब भी जा रहा है, इजिप्ट के लोगों को भी जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जांच करने का विषय होगा वह होगा कि इन लोगों ने का पैसा करेंसी कन्वर्ट करके पाकिस्तान भी गया है। तो इसमें हम लोग इस बिंदु पर भी जाँच कर रहे हैं कि क्या यह पैसा किसी तरह का आतंकवादी गतिविधि में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी जाँच की जानी है। अभी कुछ उसके बारे में कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन इस बिंदु पर भी जाँच करनी बाकी है। तो यह एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट को मैं अभी 3 लोग पकड़ाए और 3 लोग, जिसका मुख्य सरगना है राजकुमार शर्मा, वह भी फरार है, विश्वजीत कुमार फरार है और एक आफ्ताब, यह तीनों भी फरार हैं। तो इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इनकी जब गिरफ्तारी होगी तो और ज़्यादा जानकारी इस मामले में होगी। इस सारे मामले को लेकर साइबर थाना में, जो सिवान में हाल ही में साइबर थाना का उद्घाटन हुआ है, उसमें प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और प्राथमिकी दर्ज करके बाद में इस पर अनुसंधान किया गया। अभी मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरह से पाकिस्तान भी पैसा गया है,